Krishna Views presents. Hello, Namaskar, Sat Sri Akaal, Adab, Kincho. Welcome back to our Krishna Views. Our Krishna intelligent आदमी है ना यार लाइन परफेक्ट नहीं होती ना चांद रात बाय अवर वाइंस अच्छा अवर वाइंस की वीडियो है आज हाँ अवर वाइंस की वीडियो पे रिएक्शन किए बहुत टाइम हो चुका है और काफी लोगों ने रिएक्ट मतलब वो किया और अभी मैंने इनका रिसेंटली देखा चैनल पे जाकर तो कुछ ढाई लाख नहीं हुए 2,22,000 के करीब कुछ थे है ना इतने इनके सब्सक्राइबर हो गए मैंने जब मैंने इनका लास्ट वीडियो रिएक्शन किया था शायद 1,00,000 के लोगों ने कंप्लीट किया था पढ़ता जल्दी इतना हो गया ठीक है तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अवर वाइंस की फैमिली को और काफ़ी टाइम बाद हम लोग रिएक्शन करने जा रहे हैं और मैंने सुना कि इस वीडियो में बहुत एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है शॉर्ट वीडियो है काफ़ी लेकिन एक अच्छा मैसेज दिया है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और वीडियो का नाम तो क्या है वीडियो का नाम है चांद रात बाय अवर वाइंस 2018 न्यू हियर वी गो 1 2 3 एंड स्टार्ट ईद उल फितर का चांद नजर आ गया है पूरे पाकिस्तान में ईद उल फितर मनाया गया है बाबा आप मेरे लिए नए ईद के कपड़े लाए ओ फजान बेटा वो तो मैं भूल गया सेलिब्रेशन चल रहा है ईद का गोली क्यों चलाई एक सेकंड यही तो गलत बात है ये क्या है वाओ बाबा इसके साथ मैं अपने नए शूज पहनूंगा यू आर द बेस्ट बाबा आई लव यू बाबा लग गई गोली लगता है इसको Stop me, father.
ये वीडियो बहुत सही है, वीडियो बहुत अच्छी लगी मुझे। क्यों? क्योंकि कोई भी चैनल कोई भी चीज़ इस चीज़ को नहीं उठाता। ये एक बहुत सीरियस किस्म की चीज़ है। हमारे यहाँ पे भी होता है इंडिया में, जब किसी की शादी वगैरह होती है, कोई ऐसा फंक्शन होता है, तो लोग गन लेके आते हैं वहाँ पे, बंदूकें लेके आते हैं और शौक से गोलियां चलाते हैं और एक मतलब अपने आप को मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, अपना रुतबा दिखाने के लिए, रुतबा दिखाते हैं कि हाँ राजपूत की फैमिली में शादी है, ये है वो है। तो इस तरीके से भी राइफल लेके आते हैं, बड़े बड़े फायरिंग करते हैं। और इस तरीके की आपको कितनी ही वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे कि इस तरह के फंक्शन में मतलब गन के थ्रू बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। मैं भी रिसेंटली देख रहा था, मुझे जहाँ तक लगा था वो पाकिस्तान की ही वीडियो थी शायद से, कुछ लोग थे मतलब, क्योंकि वो ड्रेस से मालूम चल जाता है ना कि कुर्ता जैसा पहना था सब लोग ने, और बड़ी वाली गन थी, AK-47 टाइप थी वो। तो उसने क्या किया था, एक हाथ से पकड़ रखा था गन को, और क्योंकि AK-47 चलेगी तो भाई प्रेशर आएगा नीचे की तरफ उसका, तो वो क्या कर रहा था कि ऐसे करके उसने मतलब, बाकी लोग भी चला रहे थे दो हाथ से पकड़ के, उसने एक हाथ से पकड़ के मतलब पी रखी होगी और स्टाइल मार रहा था मतलब बहुत, तो एक हाथ से पकड़ा, और क्योंकि सामने वो मुजरा टाइप कुछ चल रहा था, लड़की नाच रही थी सामने, तो एक हाथ से गन पकड़ के ऐसे चलाया धर करके, तो उसका बैलेंस बिगड़ गया, और तो मशीन गन होती है, दबा प्रेस करके रखें तो ड्र करके गोली निकलती रहेगी, तो बंदूक की गोली नीचे होगी, तो सामने एक बंदा खड़ा था, ड्र करके उसको 2-3 गोली लग गई और सब चिल्लाने लग गए। गलती वलती छोड़ो यार, अब ये सारी चीजें जो है, ये चीजों को ना अब बदलना होगा, अब सोच बदलनी होगी, रिचनेस अपनी जो सोच है उसमें रिचनेस लानी होगी, क्योंकि लोग सोचते बंदूक चलाने से आवाज होगा और थोड़ा एक रुतबा और एक पावरफुल दिखाई देगा, वो सब छोड़ो यार, वो करना है तो बम फोड़ लो, है ना, हमारे यहाँ दिवाली में शादियों में बम फोड़ते हैं रॉकेट और वो सब लड़ी। अच्छा मुझे अच्छा वो वाला बोल नहीं, मैं ग्रेनेड फोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं माइन फोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वो दिवाली में जो बम फोड़ते हैं ना छोटे वाले, अनार बम और सुतली बम, है ना, वो वाले बम फोड़ लो, ठीक है, वो वाले बम फोड़ लो, उससे क्या होगा, चलो थोड़ा बहुत हरदम नहीं फोड़ते, सेलिब्रेशन के टाइम पे थोड़ा बहुत पॉल्यूशन वगैरह हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इस तरह के खतरा तो नहीं होगा। और हाँ, यहाँ पे तो सिटीज़ में हमारे यहाँ बैन हो चुका है, सही बताऊँ तो अभी भी ऐसे नहीं बोलूँगा कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी अभी है, जो गांव है, जो रूरल एरिया है उस साइड में जाओ, अभी भी वहाँ पे अगर शादी होती है तो वहाँ पे अभी भी गन निकलते हैं और शादी में गन चलती है। लेकिन सिटीज़ की बात करें तो सिटीज़ में बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है और बिल्कुल चलती नहीं यहाँ पे गोलियाँ, यहाँ पे तो बम फूटते हैं, तो ये चीज़ उस चीज़ से रिलेट होती है। पाकिस्तान में जब कोई शादी और मैरिज ऐसा कुछ होता है, ईद के मौके पे लोग खुशी के मारे में अपना रुतबा दिखाने के लिए गन चलाते हैं, गोली चलाते हैं। पर इस वीडियो में बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि आप अपनी खुशी के लिए जिनकी गोली से उन बच्चे को गोली लगी, उनको पता भी नहीं चला कि उनकी उस गोली चलाने की वजह से हुआ क्या, और वो तो अपनी ईद की खुशी मना रहे हैं। हाँ, और वो वहाँ पे मातम मना रहे हैं, दूसरी जगह ईद के मौसम मतलब टाइम पे ही वो मातम मना रहे हैं, जो कि बच्चा ईद के लिए कपड़े मांग रहा था। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, ये ओवरवाइज में जो दो लोग हैं वो दोनों सिमिलर क्यों दिख रहे थे, वो दोनों भाई? हाँ शायद भाई है, वो एक जैसे दिखते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, शायद मुझे ऐसा लगा ट्विन्स है, या ये इधर भी है ये उधर भी है, थोड़ा कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो गया। इनकी टीम है काफ़ी अच्छी टीम है, और ये लोग का जो वीडियो क्वालिटी होता है काफ़ी अच्छा और डिसेंट होता है, ऐसा लगता है कि मूवी स्टार्ट हो रही है ऐसे करके, है ना। तो वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आप लोग ने इनकी वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो इनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियोस है, बहुत सारी टाइप की वीडियोस है। और इनकी एक वीडियो पे हमने रिएक्शन किया था, तुमने वाई सिटी गेम को तो कभी ना कभी सुना और खेला ही होगा, नहीं खेला कोई बात नहीं, अगर खेला होता तो मैं उसका वीडियो दिखाता, ये लोग ने बनाया है वाई सिटी के ऊपर, देखने में लगेगा ही नहीं कि वो रियल है, एक्चुअल में रियल है वो, उसके अंदर खुद एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि गेम चल रहा है सामने। शायद मैंने देखा है आपका वीडियो, रिएक्शन में देखा होगा। हाँ भाई, तो चलो फिर हम लोग चलते हैं दोस्तों, और तब तक के लिए इजाजत दो हमको, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ये तारे जमीन पर है, इसको वर्ड भी बोलने नहीं आता और ये मेरे ऊपर तारे जमीन पर लगा देता है। तुम स्टार्ट करो, चलो तुम एंड करो।
जिसका काम उसी को साझे, मेरा स्टार्टिंग करना होता है। तो गाइस हम लोग चलते हैं इसी तरह की एक फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे फिर से आपको इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी गाइस। बोलना आता तो बोल सकती थी।